Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। अमरीकी महकमा खारजा बजट में कटौतियों का सामना कर रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए सिफारती कोशिशें कैसे मुतासर हो सकती हैं, इस पर हम बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है, शुरू करते हैं व्यू 360। पाक अफगान सरहद की निगरानी के लिए पाकिस्तान क्या इकदाम कर रहा है? We are sitting here to stay now, inshallah. खवातीन को हिरासा करने के वाकयात हल क्या है? Culture has nothing to do with rape cases being in United States or Pakistan or India. और लियारी के नौजवान फिल्म साजों की मुश्किल, तो मुश्किल ये थी मोबाइल फोन से बनाना और एक मिनट तक हमें उसको फिल्म को दिखाना और एक मिनट के अंदर में कॉन्सेप्ट दिखाना। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा रेक्स टिलरसन आज से मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। अमरीकी महकमा ख़ारिजा एक तरफ तो बजट कटौतियों के ज़द में है और दूसरी जानब कई दफातर में अभी तकर्रियाँ मुकम्मल नहीं हुई और अहलकार एडहॉक बुनियादों पर काम कर रहे हैं। ऐसे ही सूरत हाल नुमाइंदे खसूसी बराए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दफ्तर में भी नज़र आ रही है। इस वक्त अमान अज़हर हमारे साथ हैं। अमान, क्या तफसीलात हैं, ख़ासतौर पर जो SRAP है, साउथ एशिया के लिए जो है रिप्रजेंटेटिव, क्या लेटेस्ट है? जी सारा, ये खबर स्टेट डिपार्टमेंट के ज़राए के हवाले से है, जिनका कहना है कि नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान पाकिस्तान के दफ्तर से मुंसलिक जो कोर टीम थी उसको डिसॉल्व कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि ये दफ्तर बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो गया है। और इन्हीं ज़राए के मुताबिक आखिरी दिन इस दफ्तर का September 29 था, जो पिछले महीने का था, और ज़्यादातर तादाद इनसे मुंसलिक लोगों की जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट सिविल सर्वेंट्स थे, जिनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए गए हैं। याद रहे कि इसके जो मैंडेट था वो अफगानिस्तान में तालिबान समेत दीगर सियासी ग्रोहों के दरमियान मुफाहमत के सिलसिले को देखना था। तो ये तो थी बेसिक खबर। और जहाँ तक मूविंग फॉरवर्ड, जो असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो नुमाइंदा खसूसी भी रही हैं एक्टिंग एलिस वेल्स, अब ये उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो पॉलिसियों के तसलसल को भी आगे देखें। और एक ऐसे वक्त जब अमरीका के पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ताल्लुकात का मामला शह सुर्खियों में है, अमरीकी नुमाइंदे खसूसी बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दफ्तर के बंद होने के क्या नतीजे हो सकते हैं, ये मैंने पूछा साबिक अमरीकी नुमाइंदे खसूसी रिचर्ड ओल्सन से। The danger is, I think, that there continues to be a need. खतरा इस बात का है कि खसूसी नुमाइंदे या सफीर की ज़रूरत फिर भी रहेगी, जिसकी मुकम्मल तवज्जो अफगानिस्तान में क़याम अमन पर मरकूज हो, जिसका मतलब है कि अफगान मसले के सियासी हल की तलाश। बदकिस्मती से नुमाइंदे खसूसी के दफ्तर के बंद होने से और गैर मुस्तकिल मुलाजमीन के जाने से हमारी बहुत सी सलाहियतें मुतासर हुई हैं और इदारती इल्म में कमी आई है। तालिबान के बारे में जामे फहम और ये कि इनसे मुज़ाकरात कैसे किए जाएं, अगर आप मसले के सिफारती हल की जानिब जा रहे हैं तो आप इस दौरान में टीम बनाने का इंतजार नहीं कर सकते। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए जो नुमाइंदे खसूसी का दफ्तर बंद हुआ है, फैसला तो ये ट्रंप इंतजामिया का है, तो जो अमरीकी महकमा खारजा है उसका कोई बयान है इस बारे में? जी असल में सारा ये जो ऑफिस चलाया था ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था, जब अफगानिस्तान में ट्रूप सर्च थी, और इसको ख़त्म करने के जो बेसिक इकदाम थे वो भी ओबामा इंतजामिया ने अपने आखिरी दौर के आखिरी दिनों में लिए, जब ड्रॉ डाउन हो रहा था अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेज का। तर्जुमान से जब मैंने इस बारे में बात की तो उन्होंने तस्दीक की कि जी हाँ, एम्बेसडर वेल्स अभी भी नुमाइंदा खसूसी हैं, ताकि वो पॉलिसी के तसलसल और जो एक्सपर्टीज़ हैं उनको लार्जर साउथ एशिया, साउथ एंड सेंट्रल एशिया डिवीज़न से मामला को मिलाने के काम को देखें, लेकिन फ़िलहाल को इस बारे में टाइम लाइन नहीं सेट की गई। थैंक यू वेरी मच अमान। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हमने बात की और इन दो मुल्कों के दरमियान जिन मामलों पर तनाव पाया जाता है उनमें पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का पाकिस्तानी मंसूबा भी शामिल है। पाकिस्तान की फ़ौज ने हाल ही में सहाफ़ियों को सरहद के एक ऐसे इलाके का दौरा करवाया जहाँ बाड़ लगाई जा चुकी है। आइए देखते हैं अंगूर अड्डा के इलाके से अयाज गुल की रिपोर्ट, जिसे पेश कर रहे हैं नदीम याकूब। पाकिस्तानी अहदेदारों का इसरार है कि बाड़ लगाने और दाखिले के लिए चौकियां तामीर करने का मंसूबा सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर बनाने और गैर कानूनी आमदोरफ्त को रोकने में मददगार साबित हो रहा है। पाकिस्तानी फौज ने सहाफियों के एक ग्रुप को इस हफ्ते दूर दराज पहाड़ी इलाके में मौजूद उस सरहद का दौरा कराया जिसका मकसद 2600 किलोमीटर तवील सरहद पर बाड़ लगाने के बेमिसाल इकदाम की नुमाइश करना था। ये सरहद तारीखी एतबार से दोनों मुल्कों के दरमियान एक खुली सरहद ख्याल की जाती है। पाकिस्तान के फौजी कमांडर मेजर जनरल नुमान जकरिया पुरेतमाद हैं कि सरहदों की बेहतर निगरानी से अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों को महदूद करने में मदद मिलेगी।
یہاں جنوبی وزیرستان میں میرے پاس 106 کلومیٹر پر محیط سرحد ہے جو افغانستان سے ملتی ہے, اور اس سرحد پر مکمل طور پر باڑ لگائی جا رہی ہے. اس بین الاقوامی سرحد پر ایک انچ بھی ایسا نہیں ہوگا جو دسمبر 2018 کے بعد پوری نگرانی میں نہ ہو. پاک فوج کے جنرل نے اس باڑ کو بارڈر کنٹرول مینجمنٹ میں ایک انقلابی تبدیلی قرار دیا. انہوں نے وضاحت کی کہ اس علاقے میں پاکستان کی فوج 150 چوکیوں پر پہرہ دے رہی ہے, جبکہ افغان فورسز نے یہاں صرف 21 پوسٹ قائم کر رکھی ہیں. We are sitting here to stay now. ہم یہاں مستقل قیام کے لیے بیٹھے ہیں. اگرچہ ہم یہاں اپنی خاطر موجود ہیں, لیکن ہم اس حوالے سے اپنے افغان بھائیوں کی استعداد میں کمی کو بھی پورا کر رہے ہیں. لہذا اب ان کو اچھی طرح یقین ہے کہ پاک افغان سرحد پر کوئی ایسی جگہ نہیں جس کی نگرانی نہ کی جا رہی ہو. افغان حکومت اندازاً $532 ملین کی لاگت کے اس منصوبے کے خلاف ہے. کابل بنیادی طور پر 1893 میں نو آبادیاتی دور میں کی جانے والی حد بندی کو متنازع سمجھتا ہے اور اسے بین الاقوامی سرحد نہیں مانتا. اس کا موقف ہے کہ باڑ لگانے سے دونوں اطراف میں قبائل اور خاندانوں کو مزید مشکلات کا سامنا ہوگا جو تقسیم کرنے والے علاقے کے ارد گرد آباد ہیں. افغانستان اور امریکہ پاکستان پر الزام عائد کرتے ہیں کہ اسلام آباد طالبان اور اس کے اتحادی حقانی نیٹ ورک کی افغانستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے خفیہ طور پر اپنی سرزمین پر محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر کے ان کی مدد کر رہا ہے. پاکستان ان الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہے. ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ. بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود شمالی کوریا کے جوہری عزائم میں کوئی نمایاں کمی نہیں دکھائی دے رہی. امریکہ اور شمالی کوریا کی قیادت ایک دوسرے کی سرزمین پر حملوں کی دھمکی دے چکی ہیں. ٹرمپ انتظامیہ کے اہلکار زور دے رہے ہیں کہ شمالی کوریا کی دھمکیوں کو سچ تسلیم کرتے ہوئے امریکہ کو اب آگے بڑھنا چاہیے. اس وقت نیلوفر مغل ہمارے ساتھ ہیں. نیلوفر, ٹرمپ انتظامیہ کے جو عہدیدار ہیں واشنگٹن میں, وہ شمالی کوریا کے لیے امریکی پالیسی کو کس سمت میں لے جانے کی بات کر رہے ہیں؟ جی سارا, حالیہ دنوں میں کم از کم دو سینئر امریکی عہدیداروں نے شمالی کوریا سے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا بہت تیزی سے بیلسٹک اور جوہری ہتھیاروں کے تجربات کر رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو اب یہ سوچ کر آگے چلنا ہوگا کہ وہ شمالی کوریا کے لیے کیا اقدامات کرے, اور یہ کہ شمالی کوریا کسی بھی وقت امریکہ کی سرزمین پر حملے کر سکتا ہے. مزید جاننے کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ. سی آئی اے کے ڈائریکٹر مائک پومپیو نے جمعرات کو واشنگٹن میں ایک فورم میں کہا کہ شمالی کوریا اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اب یہ سوچنا ہوگا کہ اسے آخری قدم اٹھانے سے کیسے روکا جائے. ہر تجربہ, چاہے وہ کامیاب ہو یا ناکام, اس سے کم جونگ اون اور ان کے انجینئرز اور سائنسدانوں کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. ان کا ارادہ اس عمل کو مکمل کرنے کا ہے, اور وہ اس کے اتنا قریب پہنچ چکے ہیں کہ امریکہ کو اب یہ تصور کر کے چلنا ہے کہ شمالی کوریا تیار ہی ہے. ٹرمپ انتظامیہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنرل میک ماسٹر نے کہا ہے کہ واشنگٹن بس ملٹری کے آپشن کے سوا ہر حربہ استعمال کر رہا ہے. انٹیلیجنس حکام نے اندازہ لگایا ہے کہ شمالی کوریا اب تک جن میزائل کا تجربہ کر چکا ہے وہ درمیانے اور طویل فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. امریکہ کے ایک بااثر ریپبلکن سینیٹر لنسی گراہم نے وائس آف امریکہ سے شمالی کوریا کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا چین کی مدد کے بغیر ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا, اس لیے امریکہ کو چین کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. ایک ہی راستہ ہے کہ ٹرمپ چین کو قائل کر دیں کہ وہ فوجی طاقت استعمال کر کے جوہری ہتھیار لے جانے والے میزائل, جن سے امریکہ کو نشانہ بنایا جا سکے, ان کی تیاری روک دیں گے. ٹرمپ کو خطے کو قائل کرنا ہوگا کہ وہ جنگ نہیں چاہتے, لیکن اگر جنگ ہوتی ہے تو وہاں ہوگی, یہاں امریکہ میں نہیں. سینیٹر لنسی گراہم نے یہ بھی کہا کہ یہ چین کے بھی بہتر مفاد میں ہے کہ وہ کشیدگی بڑھنے سے روکے. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ تو شمالی کوریا کے حوالے سے ٹویٹ کرتے رہتے ہیں کہ شمالی کوریا کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے یا یہ کہ اسے سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے. لیکن سابق وزیر خارجہ جو ہیں جان کیری, انہوں نے حال ہی میں جنیوا میں ایک فورم سے خطاب میں کہا ہے کہ اگر امریکہ شمالی کوریا کے لیڈر سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو جنگ کے جو دھمکیاں ہیں وہ کارگر ثابت نہیں ہوں گی, اور اس کے لیے سفارتی حل ڈھونڈا جائے. جی سارا, نیلوفر مغل ہمارے ساتھ تھیں کیپٹل ہل سے. تھینک یو نیلوفر.
और ख्वातीन को काम की जगहों पर हरासा करने के वाकयात इन दिनों सोशल मीडिया में बहुत गर्म हैं, लेकिन हकीकी तब्दीली कैसे आएगी इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। मुल्की और गैर मुल्की खबरों पर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहाँ बहुत सी मुनफरद वीडियोज़ और फीचर्स भी आपके लिए मौजूद हैं। और लियारी के नौजवान फिल्म साजों से भी हम आपकी मुलाकात करें। हॉलीवुड के एक इंतहाई बाअसर प्रोड्यूसर हार्वी वाइनस्टीन पर एंजेलिना जोली और ग्वेनेथ पैल्ट्रो समेत 40 से ज़्यादा कामयाब खवातीन ने जिनसे हरास का इल्ज़ाम लगाया। वाइनस्टीन, जिन्हें उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया, इन दिनों अपना नफसियाती इलाज करा रहे हैं। सोशल मीडिया की मदद से ये वाकया खवातीन की हरासमेंट के मसले को तो स्पॉटलाइट में ले आया है, सिर्फ अमेरिका ही नहीं दुनिया के कई मुल्कों में। लेकिन सहर माजिद ने यह जानने की कोशिश की है कि क्या हमारे रवैयों में भी तब्दीली आ रही है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में हर 2 घंटे में एक औरत जिंसी ज्यादती का निशाना बनती है। हर 4 से 8 दिन में एक औरत इज्तिमाई ज्यादती का शिकार होती है। यही नहीं, ये आदात सिर्फ रिपोर्ट होने वाले वाकयात पर मबनी है। ज्यादती की असल शरह पाकिस्तान में इससे कहीं ज्यादा है। मेरा मानना है कि कल्चर का जिंसी ज्यादती जैसे जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो अमरीका में हो, पाकिस्तान में या भारत में। इसका ताल्लुक उस ज़हनियत से है जिसमें औरत को मर्द से कम दर्जा दिया जाता है। सलमान सूफी पाकिस्तान में पंजाब हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर यूनिट के सीनियर, वो इस राय से मुत्तफिक नहीं कि जिनसी ज्यादती तरक्की पजीर मुमालिक के कल्चर का हिस्सा है। बीमारियों की रोकथाम के अमरीकी विफाकी इदारे सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक खुद अमरीका में हर 5 में से एक औरत अपनी जिंदगी में जिनसी ज्यादती का निशाना बनती है। पूरी दुनिया में हर 3 में से 1 औरत जिंसी ज्यादती का निशाना बनती है, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जैसा कि मौशी हालात, मुआशरे में औरतों का मयार जिंदगी और सोसाइटी का कल्चर। अमेरिका में तकरीबन 65% रेप केसेस पुलिस में रिपोर्ट नहीं किए जाते, फिर भी ये तादाद भारत के मुकाबले में कहीं कम है। अमरीका में अगरचे खवातीन की निस्बतन बड़ी तादाद ऐसे जराइम को पुलिस में रिपोर्ट करने और इंसाफ मिलने के हवाले से पुरएतमाद होती है, प्रोफेशनल मैदान में खवातीन इस पर आवाज उठाने से डरती हैं। लेकिन विमेन एंड हॉलीवुड नामी ब्लॉग की पब्लिशर मेलिसा सिल्वरस्टाइन के ख्याल में हार्वी वाइनस्टीन के स्कैंडल के सामने आने के बाद सारी दुनिया हॉलीवुड की जानिब देख रही है। इस वाकये से ये मसला सामने आ गया है। हॉलीवुड एक ग्लोबल इंडस्ट्री है। यहाँ की मूवीज से हासिल होने वाले मुनाफे के हर डॉलर के 70 सेंट्स अमेरिका के बाहर से कमाए जाते हैं। दुनिया चाहती है कि हॉलीवुड इस मसले पर इसकी रहनुमाई का काम करे। उधर पाकिस्तान और भारत में सख्त सजाओं के बावजूद जिनसी ज्यादती की शरह में कोई कमी नहीं देखी जा रही। सलमान सूफी का कहना है कि कानून के मौसर नफाज के साथ अच्छी तरबियत भी इस जुर्म की वजह बनने वाले रवैयों की हौसला शिकनी के लिए अहम है। हमने पंजाब की टेक्स्ट बुक्स में एक चैप्टर शामिल किया है जिसमें बच्चों को जिंसी तशद्दुद के बारे में मालूमात फराहम की गई है कि इस बारे में उनके क्या हुकूक और जिम्मेदारियां हैं। हमारा मकसद है बच्चों को ये बताना कि ये जुर्म गैर अखलाकी, गैर इंसानी और गैर मजहबी है। बहुत जरूरी है कि बच्चों को इब्तदा से ही सिखाया जाए ताकि वो बड़े होकर एक जिम्मेदार शहरी बने और खुद को औरतों का हुक्मरान नहीं बल्कि उनको अपना साथी समझे। इस मसले का हल खामोशी नहीं है। इस जुर्म की शिकार खवातीन मुआशरे के डर से भी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाती। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इस जुर्म के खात्मे के लिए कदम बढ़ाएं और मुजरिम का नहीं बल्कि जुर्म का शिकार होने वाले का साथ दें। सहर माजिद, उर्दू वीओए, वाशिंगटन। अमेरिका में अफ्यून मिली अद्वियात और मनशियात का इस्तेमाल इस कदर वसी पैमाने पर आम है कि माहरीन इसे अब एक वबा करार दे रहे हैं। अमेरिका में पहली मर्तबा 2009 से 2015 के दौरान अस्पतालों का डेटा जमा करके अब एक रिपोर्ट तरतीब गई है, जिससे पता चलता है कि यह मसला किस कदर जानलेवा साबित हो रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस तहकीक में अफीम के नशे के आदि उन केसेस को नोट किया गया जो बड़े शहरों के इंतहाई निगहदाश्त के शोबों तक पहुंचे। इस स्टडी की एक मुसन्निफा डॉक्टर जेनिफर स्टीवन ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बजरिया स्काइप बात करते हुए कहा, ये दिल दहला देने वाले केसेस हैं। इनमें से अक्सर उधेड़ उम्र लोग हैं जिनके वालदैन हैं, बच्चे हैं और बहुत से चाहने वाले मुख्तलिफ लोग इनकी जिंदगियों का हिस्सा हैं। और इनमें इंतहाई तशवीशनाक हालत में आने वालों की तादाद बढ़ रही है। हम ये जानना चाहते थे कि क्या ऐसा पूरे मुल्क में हो रहा है। और ऐसा ही नहीं, उन्हें पता चला कि 2009 और 2015 के दौरान ये केसेस 34% बढ़ गए हैं। जिन अस्पतालों का स्टीवन ने सर्वे किया वो तमाम ही बड़े शहरों में हैं और वो खबरदार करती हैं कि देही इलाकों में ये कहीं ज्यादा हो सकते हैं।
हमने मुल्क भर में बड़े शहरों के अस्पतालों से सवालात पूछे। ये वो अस्पताल हैं जो ऐसे मरीजों की निगहताश्त में सबसे आगे हैं। मेरा ख्याल है कि ये वबा खुसूसन छोटे और देही इलाकों के अस्पतालों के इंतहाई निगहताश्त के शोबों तक भी पहुंच चुकी है और वहाँ इसका ज्यादा जोर है। और ये इस मसले का दूसरा रुख है, नशे के आदि मरीजों के इलाज के खर्च में 50% इजाफा, यानी 2009 में $58,000 से बढ़कर 2015 में $100,000 तक पहुंच गया है। इलाज के खर्च में इजाफे को देखते हुए इस वबा के बढ़ने का अंदाजा लगाया जा सकता है। जेनिफर स्टीवन कहती हैं कि नशे के क्राइसिस की वजह से डॉक्टर्स पूरी तरह इन मरीजों की मदद करने से कासिर हैं। इसके बावजूद कि हम अपनी सेहत के निजाम में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत से लोग ओवरडोज और पेचीदगियों के बाइस मर रहे हैं। जेनिफर स्टीवन और उनकी टीम का कहना है कि इस रिपोर्ट से सामने आने वाली दूसरी हैरत अंगेज बात ये थी कि ज्यादातर केसेस मोहल्लों में इस्तेमाल होने वाली अफीम के थे, न कि अद्वियात के नशे के। केविन अनौ के साथ सबाशा खान, उर्दू वीओए। और अब कुछ बात फन और सकाफत की। अमेरिका के मकामी बाशिंदों या नेटिव अमेरिकन्स के मेले, जिन्हें पाव वाव कहा जाता है, देखने से ताल्लुक रखते हैं। रिवायती मौसीकी, रक्स और खेलों के मुकामों पर मुश्तमिल ये मेले उस सकाफत को महफूज रखने का एक अहम जरिया हैं, जिसे अमेरिका को आबाद करने वाले यूरोपियों ने शदीद नुकसान पहुँचाया। वर्जीनिया में हाल ही में एक ऐसा मेला मुनक्द किया गया, आइए देखते हैं। वेस्ट पॉइंट वर्जीनिया में ये मेटापोनी कबीले का अपनी जमीन पर पाव वाव त्यौहार का मेला है। तकरीबात का आगाज एक पुशिको एंट्री से होता है। डांसर्स और मौसीकार ड्रम की थाप और गानों की आवाज पर अमरीकी और कबायली झंडे लहराते हुए दाखिल होते हैं। हर कोई दुआएं करता और नजराने पेश करता है और फिर रक्स का आगाज होता है। 19 साला ब्रैंडन एटकिंस वस्ती वर्जीनिया में चिक्का होमिनी कबीले की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं बहुत सफर करता हूँ और किसी भी पाव वाव तकरीब में जाने की कोशिश करता हूँ ताकि अपने विरसे को पेश कर सकूँ। मर्द शुरका घास और बारिश का रवायती डांस करते हैं। सिर्फ मर्द ही ड्रम बजा सकते हैं। ड्रम की गोल शक्ल इस कायनात की अलामत समझी जाती है और इसकी धुन दुनिया के दिल की धड़कन। जब मर्द इफ्तिताही रक्स का पहला चक्कर मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर खवातीन भी इसमें शामिल हो जाती हैं। खवातीन का लिबास बहुत संजीदा और रक्स भी बेबाक नहीं होता। मैं रक्स के एक दायरे में बड़ी हुई हूँ। मेरे खानदान में मेरे वालिद समेत हर कोई रक्स करता है। ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। मकामी अमरीकी अमरीका की पैदाइश से ही अमरीकी फौज में खिदमत सर अंजाम देते आए हैं। साबिका और हाजिर फौजी भी इस रक्स में शामिल होते हैं। बच्चे भी इस मेले की रौनकों में शिरकत करते हैं। 8 साला जोजी और 5 साला मैडी के लिए ये इस मेले में शिरकत का पहला मौका है। वर्जीनिया के गवर्नर टेरी मैकॉलिफ कहते हैं कि मकामी अमरीकी बाशिंदे अमरीका की तारीख का एक अहम हिस्सा हैं। हाल ही में होने वाले इस मेले के दौरान उन्होंने इस कबीले को एक खुशखबरी भी सुनाई। मालूम नहीं आप यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन मैंने आपको मजीद जमीन दिलवाने के लिए एक करारदाद पर दस्तखत किए थे, लेकिन वो कुछ कानूनी पेचीदगियों के बायस फंसी हुई थी। मैंने अभी एक करारदाद पर दस्तखत किए हैं जिसकी मदद से अगले साल इस वक्त आप इस सब नई जमीन के मालिक होंगे जिसके आप असल हकदार हैं। और यहाँ जमा गुलुकार, ड्रमर्स, डांसर्स और मेहमान इसकी भी खुशी मना रहे हैं। बच्चों के मसाइल को उजागर करने के लिए कराची के इलाके लियारी के कुछ नौजवानों ने मोबाइल फ़ोन से एक ऐसी शॉर्ट फिल्म बनाई जिसे बैन अलावामी फिल्मी मेलों में दाद मिली, लेकिन अपना काम दुनिया के सामने पेश करने में इन बासलाहियत नौजवानों को कुछ मुश्किलात का सामना भी है। आइए उनसे मिलते हैं। लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले इन नौजवानों ने अपने फ़न से किया है कुछ खास। ये छोटा और मामूली सा घर ही इनका ऑफिस है जहां मुख्तलिफ मौजूआत पर फिल्म बनाने के हर मरहले पर बात करते हैं। इन बासलाहियत नौजवानों ने वसाइल न होने के बावजूद पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर और तालीम की कमी के मसाइल पर पोस्टर के नाम से मुख्तसर दौरानी की फिल्म तैयार की जिसमें एक बच्चा दीवारों पर मारूफ फनकारों के पोस्टर्स लगाने का काम करता है और उनकी नकल उतारना भी खूब जानता है। मगर जब इसकी नज़र दीवार पर पहले से लगे पोस्टर पर लिखी ABCD की तरफ जाती है तो वो परेशान हो जाता है और कोशिश के बावजूद पोस्टर को पढ़ने में नाकाम रहता है। फिल्म का सबसे बड़ा जो इसका मैन इसका आइडिया कौन से बड़ा अच्छा था और फाद ने कहा ये एक फेस्टिवल हो रहा है पेरिस में, इसको हम लोग वहाँ बेचते हैं, एक मिनट की फिल्म बनानी है।
तो मुश्किल ये थी मोबाइल फ़ोन से बनाना है और एक मिनट तक हमें उसको फिल्म को दिखाना है और एक मिनट के अंदर में कॉन्सेप्ट दिखाना उसको दिखाना था। फहद बलोच के मुताबिक फिल्म इटली में ऑनलाइन आलमी फिल्म फेस्टिवल में ज्यूरी चॉइस का अवार्ड जीत चुकी है। हमारी फिल्म इटली में गई है और 1000 फिल्में वहाँ गई थी तकरीबन, उसमें से 12 सिलेक्ट हुई और 12 में से 8 ने जीती, उसमें से हमारी एक फिल्म थी पोस्टर, उसने भी ज्यूरी ने उसको स्पेशल प्राइज अवार्ड दिया था। हम चाइल्ड लेबर को स्टॉप करें, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान के फ्यूचर है, ना ही कि हमारे पाकिस्तान के मजदूर है। वो पढ़ेंगे तभी तो पाकिस्तान बढ़ेगा। फहद बलोच कहते हैं कि 3 माह कबल फ्रांस के शहर पेरिस में होने वाले आलमी मोबाइल फिल्म फेस्टिवल में उनकी फिल्म को 10 बेहतरीन फिल्मों की फहरिस्त में शामिल किया गया था, मगर अफसोस वो अवार्ड लेने पेरिस न जा सके। बार्सिलोना में भी ऑफिशियल सिलेक्शन हुई थी उसकी, मैंने फिल्म भेजी थी जर्मनी में, मगर वहाँ के रूल्स मैंने पढ़े नहीं थे, तो वहाँ डॉक्यूमेंट्री थी, उन लोग को इतनी अच्छी लगी तो उन लोगों ने बार्सिलोना में भेजी और बार्सिलोना वाले ने सेलेक्ट भी किया, मगर मसला यही है हम वहाँ नहीं जा पाते तो वहाँ पर हमें डिस्क्वालीफाई कर देते हैं कि आप लोग को आना है, मगर हमारे पास इतना है नहीं कि हम वहाँ जा सकें। इन नौजवानों का अज़्म है कि उन्हें किसी इदारे या हुकूमत की मदद मिले या नहीं, ये अपनी तख्लीकात से माशरे की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे और अपने इर्द गिर्द के माशरती मसाइल को फिल्मों के जरिए बड़े प्लेटफॉर्म्स पर उजागर करने का सिलसिला जारी रखेंगे। और 68 साल अमरीकी गुलकार बिली जोल और उनकी 35 साल बीवी अलेक्सा अपने दूसरे बच्चे को खुशामदीद कह रहे हैं, जबकि एल्टन जॉन ने ऐलान किया है कि वो अमरीकी शहर लास वेगस में 2004 से जारी अपनी कॉन्सर्ट सीरीज अगले साल खत्म कर देंगे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस हफ्ते और कौन सी खबरें गर्म रहीं, देखते हैं हॉलीवुड हाईलाइट्स में। प्रोड्यूसर हार्वी वाइनस्टीन का सेक्सुअल हरासमेंट स्कैंडल अभी खत्म नहीं हुआ कि अमेज़न स्टूडियोज के सदर रॉय प्राइस ने भी ऐसे ही एक इल्जाम के नतीजे में इस्तीफा दे दिया। अमेज़न सीरीज द मैन इन द हाई कैसल के प्रोड्यूसर ईसा हैकेट का कहना है कि प्राइस ने उन्हें 2015 में निशाना बनाया। ये बात सामने आने के बाद प्राइस की मंगेतर ने भी शादी की तैयारियां रोक दी हैं। एशिया में सिंगर एड शीरन के फैंस को मिली एक बुरी खबर। एक बाइसिकल एक्सीडेंट की वजह से शीरन ने अपना वर्ल्ड टूर डिवाइड कुछ अरसे के लिए रोक दिया है, क्योंकि फिलहाल वो गिटार नहीं बजा सकते। शीरन ने इंस्टाग्राम पर अपने टूटे हुए बाजू की भी फोटो शेयर की। उनका प्लान है कि 7 नवंबर को फिलीपींस की दारुल हुकूमत मनला में होगी उनकी अगली लाइव परफॉर्मेंस। अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के मौके पर एक्ट्रेस केट हडसन पहुंची कंबोडिया के कुछ स्कूल्स और खेतों में। उन्होंने वहां भूख के मसले को मिटाने के बारे में बात की। केट कहती हैं कि इस तजर्बे ने उनकी आंखें खोल दी। Makes me want to do more. केट प्रोग्राम वॉच हंगर स्टॉप का हिस्सा है जो डिजाइनर माइकल कोर्स ने शुरू किया। शुचि जैन, उर्दू VOA। यह था आज का View 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा, इसके लिए आइए facebook.com/voaurdu पर और हमारा ट्विटर हैंडल है @urduvoa। अब आपसे पीर को मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।